यूरोप जैसे बड़े कॉन्टिनेंट के इंटरेस्टिंग फेस्टिवल्स को एक एपिसोड में कवर करना तो इम्पॉसिबल है, राइट? पिछली बार हमने देखे स्पेन, रशिया, जर्मनी और नेदरलैंड्स के कुछ फेस्टिवल्स, और अब हम चलेंगे फ्रांस के वाटरवेज में, जहाँ एक मिडिवल स्पोर्ट आज भी जिंदा है। हम देखेंगे ग्रीस का एक स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल जिसका फायरवर्क्स शो काफी मशहूर है। फिर इटली की गलियों में देखेंगे एक जबरदस्त फाइट विद नथिंग बट ऑरेंजेस, और ऑस्ट्रिया में देखेंगे क्रिसमस का एक डरावना वर्जन। सो लेट्स सेट ऑफ ऑन अनदर टूर थ्रू यूरोप एंड सम ऑफ इट्स मोस्ट यूनिक फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस। आज की ये जर्नी शुरू करते हैं ग्रीस से, जो अपने एंशियंट सिविलाइजेशन और कल्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बिकॉज ऑफ अ रिच हेरिटेज, ग्रीस हैज मेनी फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस, बट देयर इज वन दैट इज नॉट ओनली हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट बट ऑल्सो अ ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन। मैं बात कर रही हूँ अर्माटा फेस्टिवल की, जो मनाया जाता है स्पेट्सेस आइलैंड में इन द सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर। अर्माटा फेस्टिवल मनाया जाता है ग्रीस की उस ऐतिहासिक जीत की याद में, जब ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर के दौरान एक घमासान नेवल बैटल में ग्रीस ने टर्की को हराया था। इस जीत का सेलिब्रेशन पूरे एक हफ्ते तक चलता है, और यहाँ बच्चे और बड़े अलग अलग कल्चरल और एथलेटिक एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, जैसे ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेज, म्यूजिकल शोज, आर्ट एग्जीबिशंस और हिस्टोरिकल इनेक्टमेंट्स भी। इस फेस्टिवल में एक खास फीमेल वॉरियर को ट्रिब्यूट दिया जाता है, जिनका नाम था लस्करीना बोबुलीना, जो कि ग्रीक रेवोल्यूशन की लेजेंडरी हीरोइन थी। इस हिस्टोरिक इवेंट का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है कैप्टन कॉस्मस बर्बात्सिस को, जिन्होंने अपनी शिप से टर्किश फ्लैगशिप को उड़ा दिया। एंड टू कमेमोरेट दिस एक्ट, देयर इज अ स्पेशल परफॉर्मेंस दैट प्लेज आउट इन द सी। लिटिल ग्रीक शिप्स इन द सी मूव स्लोली टुवर्ड्स अ ह्यूज टर्किश शिप दैट इज मैन्युफैक्चर्ड स्पेशली फॉर द ओकेजन। देखते ही देखते टर्किश शिप में आग लगाई जाती है, और एक धमाके के साथ वो शिप ब्लास्ट हो जाती है, और उसमें से फायरवर्क्स की बारिश होती है। कहा जाता है कि ये इतना खूबसूरत नजारा होता है कि दूर दूर से लोग इसे देखने हर साल आते हैं। अब स्पेन के ला टोमेटिना फेस्टिवल के बारे में तो हम सब जानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ये यूरोप का इकलौता फूड फाइट फेस्टिवल नहीं है? चलते हैं इटली, जहां हम देखेंगे कार्निवल ऑफ इवरिया, जिसका सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है बैटल ऑफ ऑरेंजेस, और इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 13th सेंचुरी इटली के इवरिया शहर में एक आम लड़की को रॉयल फैमिली के किसी आदमी ने छेड़ा था। जवाब में शहर के लोगों ने मिलकर पूरे पैलेस में आग लगा दी। टू कमेमोरेट दिस रिवॉल्ट बाय द कॉमनर्स, द पीपल ऑफ इवरिया सेलिब्रेट बैटल ऑफ ऑरेंजेस, जहां शहर के लोगों को रॉयल और कॉमनर्स में डिवाइड किया जाता है, और उनके बीच 3 दिन तक जबरदस्त युद्ध होता है यूजिंग नथिंग बट ऑरेंजेस। कहा जाता है कि शुरू में बीन्स का इस्तेमाल होता था और उसके बाद एप्पल्स का, मगर 19th सेंचुरी से इन ट्रेडिशनल बैटल्स में ऑरेंजेस यूज होते आ रहे हैं। आपको सुनकर शायद लग रहा होगा कि एक दूसरे पर ऑरेंजेस फेंकना काफी हार्मलेस सा स्पोर्ट है, बट पीपल डू लीव द फेस्टिवल विद ब्रूजेस एंड इंजरीज। भले ही स्पेन के ला टोमेटिना फेस्टिवल जितना बड़ा ना हो, मगर हर साल फरवरी में मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में करीब 5 लाख पाउंड ऑरेंजेस यूज होते हैं। फाइटिंग के ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं फ्रांस, जहां प्लेग्राउंड थोड़ा सा बदल गया और अब जंग का मैदान है पानी। क्या आप जाउस्टिंग के बारे में जानते हैं? आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट इन अ मूवी वेयर ओपोनेंट्स रेस टुवर्ड्स ईच अदर ऑन हॉर्सेस एंड दे आर बोथ होल्डिंग अ शील्ड एंड अ लॉन्ग वुडन स्पीयर कॉल्ड लांस एंड द पर्सन टू गेट हिट एंड फॉल ऑफ द हॉर्स लूजेस। ये खतरनाक मिडिवल स्पोर्ट है जो सदियों पहले खेला जाता था, मगर फ्रांस में आज भी ये स्पोर्ट जिंदा है वाटर जाउस्टिंग के रूप में। हर साल अगस्त में मनाए जाने वाले 6 डे सेंट लुइस फेस्टिवल में खाने पीने और यूजुअल फेस्टिविटीज तो होती ही हैं, मगर इस फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन होता है एक जबरदस्त वाटर जाउस्टिंग टूर्नामेंट। 2 boats being rowed by 10 men move towards each other, and at the head of each boat is a man with a shield and a lance. When the boats come close to each other, each man tries to defend while attacking the other, and if one can knock the other one off the boat, he is declared the winner of that match. Har boat mein kuch musicians bhi hote hain jo rowers ko rhythm maintain karne mein help karte hain. Har khiladi safed kapdon mein hota hai aur unke dress par ya to blue ribbons hote hain ya red. Blue is for bachelors
एंड रेड इज फॉर मैरिड मेन। और एज और वेट के हिसाब से इस जाउस्टिंग टूर्नामेंट में अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं। जाउस्टिंग की ट्रेनिंग कभी कभी 4-5 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और कई लोग ऐसे भी हैं जो 50 साल से जाउस्टिंग करते आ रहे हैं। फ्रांस से निकल कर आते हैं ऑस्ट्रिया, जहाँ एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जो बच्चों के ही नहीं अच्छे अच्छों के मन में डर पैदा कर सकता है। While kids all over the world wait for Christmas and for Santa Claus to bring them presents for being good kids throughout the year, ऑस्ट्रिया में आप देखेंगे पैगन ट्रेडिशन के हिसाब से सेंटा क्लॉज या सेंट निकोलस के ईविल वर्जन क्रैम्पस को। जहाँ सेंटा क्लॉज अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं, वहीं क्रैम्पस नॉटी बच्चों को पनिश करता है। Well, nothing to be worried about because there's nobody going around punishing children. But there are parades held all over Austria where people are dressed up in scary, devilish costumes trying to terrorize people of all ages. ये costumes और face mask इतने elaborate होते हैं कि ये किसी Hollywood film के costumes को टक्कर दे सकते हैं। मगर ये festival सिर्फ डरने के लिए नहीं है। हर festival की तरह इस festival में भी लोग local delicacies enjoy कर सकते हैं, जैसे कि cakes, cookies और donuts. There was even a Hollywood horror comedy film that was made in 2015 about these creatures and it was called Krampus. Well, these were just some of the most fascinating festivals of Europe. Being colonizers, European countries also managed to spread their culture to other countries, especially in the form of architecture. If you want to check out how much you know about such structures and buildings, try our quiz on colonial architecture. But if you think you know all about France, then log on to MindWars and challenge yourself with our quiz about France. Want to be the first to know of the videos on the MindWars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.